तादाद में लोग देखे जा रहे थे और हम इस समय संगम तट पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तादाद में लोगों का आना हो रहा है। लोग घाटों पे स्नान कर रहे हैं, संग संग नौका विहार भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं, पहला जो स्नान था शाही, वो शाही स्नान मकर संक्रांति से शुरू हुआ था। दूसरा सोमवती मौनी अमावस्या के अंतर्गत दूसरा शाही स्नान संपन्न हुआ और आज जो प्रमुख शाही स्नान की हम बात कर रहे हैं वो तीसरा प्रमुख शाही स्नान है, यानी आज बसंत पंचमी है। वैसे आपको बताएं दर्शकों, तो शाही स्नान के साथ साथ अगर अन्य स्नान की बात करें तो तीन और प्रमुख स्नान होते हैं, लेकिन गंगा, यमुना और अदृश्य संगम यानी तीनों नदियों के समागम पे अलग अलग तरह से यहाँ पे स्नान आयोजित किए जाते हैं। लोगों की अगर माने तो यहाँ पे एक अलग तरीके की धार्मिक आयोजन को लेकर के लोग यहाँ आते हैं बड़ी तादाद में। सहयोगी से कहेंगे कि अगर जिधर भी कैमरे पे आप नजर डालेंगे तो आपको लोगों का जनसैलाब उमड़ता देखने को मिलेगा। अभी सुबह क्या ये जो माहौल है ब्रह्म मुहूर्त का, जो ये आप देख रहे हैं नज़ारा, ये एक अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि ये पूरी अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके परिवार के साथ में यहाँ पे इस मेले का पूरा आनंद उठाते हुए स्नान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि आज तीसरे प्रमुख शाही स्नान में जो डुबकी लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं मानो पूर्ण होंगी। इसी भावना के साथ में सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लोग दूर दराज से आए हुए हैं, आ रहे हैं और परिवार के साथ अपनी अपनी मान्यताओं के साथ स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर तरीके की बंदोबस्त किए गए हैं। और आपको और भी बता दें, अगर यहाँ पे जिस तरीके से इतने बड़े जनसैलाब में अगर भूल भटके के शिविर की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में बनाया गया है और पूरी आधुनिकता के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। पहले का भूले भटके शिविर और इस बार के भूले भटके शिविर में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पूरा कंप्यूटरीकृत हो चुका है, हर घाटों पे अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है और लोग जिनके परिजन जिनके साथ में अगर नहीं है, किसी भी कारणवश अगर खो गए हैं तो इस भूले भटके शिविर में वो अनाउंस कर सकते हैं और लोगों से एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये भीड़ किस तादाद में लोग, अभी ये ब्रह्म मुहूर्त जिस तरीके से जयपारस चैनल ने आपसे प्रतिबद्धता की थी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नानों का प्रमुख प्रसारण करेंगे, वो चीज़ आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अगर संगम का नज़ारा दिखाने की हम आपको बात करें तो आप देख सकते हैं कितना मनोहारी दृश्य है, वो दृश्य जिसको देखने के लिए कहा जाता है कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी मैया के इस पावन घाट पे देवता भी आने को आतुर होते हैं और इस पावन छटा को देखने के लिए वो इस आयोजन के तहत यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस महा आयोजन की शुरुआत कहा जाता है कि माघ मकर रविगत जब होई तीर्थपति आव सब कोई। इस चौपाई के तहत अगर देखा जाए तो इस मेले का आयोजन शुरू हुआ और लोग आज तीसरे शाही स्नान के पर्व के आधार पर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, इस भीड़ का आंकलन अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग दोपहर तक कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ के पावन गोदी पे डुबकी लगाएंगे। भक्ति की डुबकी, शक्ति की डुबकी और श्रद्धा यानी आस्था के इस महा आयोजन में लोगों का तांता लगा हुआ है। जिधर भी आप देखेंगे ये पावन घाट है, ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म मुहूर्त में ये ऐसा देखने को मिला है जैसे मानो माँ और बेटे के मिलन को लेकर के जिस तरीके का भाव उमड़ता है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पे स्नान के बाद महिलाओं के लिए खास तौर से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे स्नान के बाद ये यहाँ आकर चेंज कर सकती हैं। इन सब पूरे नज़ारे को जो आप देख पा रहे हैं उसके साथ साथ अगर वॉच टावर की बात की जाए तो जगह जगह वॉच टावर भी लगाए गए हैं जिससे ये पूरी स्थिति को सही तरीके से संचालित किया जा सके। अब हम आगे की अगर हम बात करें तो आज के इस आयोजन के साथ साथ लोगों का ये भी मानना है कि अगर
आप श्रद्धा आस्था की डुबकी पहले शाही स्नान में नहीं लगा पाए हैं या दूसरे शाही स्नान में भी किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये प्रमुख और आखिरी शाही स्नान पर्व है, इस पे आप आकर के श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। दर्शकों, प्रयाग की महिमा की अगर हम बात करें तो बड़ी ही अलौकिक महिमा है प्रयाग की। प्रयागराज की अगर बात करें, अलग अलग तीर्थस्थल हैं, हम और भी यहाँ के क्षेत्रफल को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ सकते हैं। वैसे कुंभ तो देश में चार जगह पे आयोजित होता है, लेकिन इस प्रयागराज की महिमा, तीर्थों के राजा की महिमा अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ी क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। हम इस समय संगम नोज पे खड़े हैं, मीडिया वॉच टावर के पास में। अगर आप दूर दराज से अगर सुबह का माहौल रहेगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे, व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ कर सकते हैं। हम आपको बता रहे थे प्रयागराज की महिमा, प्रयागराज की वो महिमा है जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की। प्रयागराज की वो महिमा है जहाँ पे बड़ी संख्या में साधु संतों ने आज भी यहाँ यज्ञ हवन कीर्तन प्रवचन के माध्यम से यहाँ पे अपने भावनाओं को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। लोगों का अलग अलग मानना है प्रयागराज की पावन धरती पर और इस संगम की धरती पर। हम आपको बताएं कि प्रयागराज में वैसे भी तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल के तौर पे अगर देखेंगे तो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी, चाहे वो बेड़ी माधवराज भगवान की मंदिर हो, चाहे वो अलोप शंकरी आदिशक्ति की मंदिर हो, या फिर हनुमान जी महाराज हों लेटे हुए। इन सब के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये अरैल का क्षेत्र है। ये बहुत बड़ा तीर्थस्थल ये भी माना जाता है। यहाँ पे महर्षि महेश योगी जैसे आश्रम बनाए गए हैं और इनकी भी मान्यता अलग अलग तरीके से बनाई गई है। हम आपको बताएं, अगर आपको दिखाया ये जाए कि शाही स्नान में किस तरीके से, कहाँ से साधु संतों का आगमन होगा, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो क्षेत्र दिखाएं जहाँ से लोग यहाँ पे आएंगे और अपने साथ सज्जा के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में, वो बैरिकेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी बैरिकेटिंग से वो मेला क्षेत्र से अंदर आएंगे और पूरे शाही अंदाज में जिस तरीके से एक राजा अपने क्षेत्र में विचरण करता है, वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा कि साधु समाज, संत समाज जो है वो इसी क्षेत्र से होता हुआ यहाँ पे संगम क्षेत्र में आएंगे और ये माँ गंगा यमुना अदृश्य माँ सरस्वती के पावन घाट पर यहाँ पे होगा। हम बताएं कि हमारा देश पूरी तरीके से सनातन पद्धतियों पे आधारित है। यहाँ की विशेषता, यहाँ की पौराणिकता अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। परमानंद भैया से मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ दिखाएं। देखें, ये जगह जगह आपको लाइटें, मतलब दीपक देखने को मिल रहा है। ये दीपक आस्था की है, श्रद्धा की है और भक्ति की है। लोग माँ गंगा के घाट पे जब स्नान करते हैं, स्नान के साथ साथ पूजन अर्चन का भी विशेष महत्व माना जाता है। लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं और इस आस्था के दीपक को जला करके माँ से मनौती मांगते हैं, जैसे कि ये श्रद्धा से कहा जा रहा हो कि हे माँ, फिर आयोजन होगा, हमें बुलाना और पुण्य की डुबकी के लिए हमें मनवांछित फल प्राप्त कराना। लोग अब भी लगातार उस घाट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे अब आप देखने को मिल सकता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ आए हैं, अपनों के साथ आए हैं और इस पावन पतीत अवसर पर माँ गंगा में डुबकी की कामना लेकर यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी में जिस तरीके का ये आपको माहौल देखने को मिल सकता है कि आज ऐसा लग रहा है मानो ठंड कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आस्थावान व्यक्तियों के लिए ये महा आयोजन किसी वैचारिक भावना को हटाते हुए भक्ति, यहाँ पे जितने बड़े क्षेत्रफल में यह फैलाया गया है, कहीं ना कहीं इस आयोजन को लेकर के सरकार की भी मंशा बहुत ही सुदृढ़ रही थी, चाहे वो राज्य सरकार रही हो, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो हर 10 से 15 मीटर के अंतराल में यहाँ पे हजारों की संख्या में, अगर पूरे मेले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आयोजन के तौर पर लगाए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्वच्छ और सुंदर कुंभ की बात की जाए तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। जगह जगह आपको डस्टबिन मिल जाएंगी जिसकी वजह से आप सही तरीके से स्वच्छ और भव्य कुंभ की कल्पना को साकार कर सकेंगे। आप ये भी देख सकते हैं अलग अलग जगह पे
यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को संपादित किया जा रहा है। जैसा कि इसके पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे जगह जगह महिलाओं के लिए स्नान के बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं कि सुगमता के साथ में जिस तरीके से इसके पहले वाले कुंभ हुआ करते थे उसकी कल्पना में अगर देखा जाए इस बार के कुंभ में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर लोगों की बात करें तो स्नान के बाद जो दान की व्यवस्था देखी जाती है जगह जगह, यहाँ पे जो यहाँ के पुरोहित हैं वो अपना एक तरीके का यहाँ पे स्टॉल टाइप का लगा रखा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपने घर से जो परंपराएं हैं खिचड़ी की जो परंपराएं हैं वो लाते हैं स्नान के बाद। हमने कई ऐसे पंडित महात्माओं से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर में पूछी ये जो यहाँ की विशेष मान्यताओं की बात की जाए, सेल्फी का जो दौर हमारे कैमरे में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से युवाओं में अलग अलग क्षेत्र में सेल्फी का क्रेज देखा जाता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, आने के बाद स्नान कर रहे हैं और अपने संबंधियों के साथ में सेल्फी को शेयर कर रहे हैं। लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं। ये लोग स्नान के बाद से जा रहे हैं और गंगा मैया के जयकारे को लेकर के कितनी ऊर्जा देखी जा रही है, सुबह का माहौल है, क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या लोग सब के सब गंगा मैया के जयकारे दे रहे हैं और मानो आपसे ये कह रहे हो कि आप भी आओ, अपनों को साथ लाओ, प्रकल्प में इस महा आयोजन में सहभागिता सुनिश्चित करिए। लोग के सर पर अगर आप देखेंगे तो कितनी दूर दराज से आए हुए हैं ये देखने को मिल सकता है। लोग अपने उन सामानों को जो सुनियोजित करके लाए हैं सर पे रख करके अपनी टोलियों के साथ में, जो कहा जाता है कि कुंभ में अगर लोग बिछड़े हैं तो वो शायद ही मिलते हैं, लेकिन इस महा आयोजन की अगर बात करें, मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करें, तो इस बार मैं ये जरूर कहूंगा कि इस आयोजन में हमने अगर आप पूछेंगे कि तो क्या पाया, तो मैं ये कह सकता हूँ उन साधु संतों का सानिध्य पाया जो शायद ही देखने को मिला। अब ये धर्म ध्वजा आप देख सकते हैं, हिंदू सनातन पद्धति की अगर बात करें तो धर्म ध्वजा का बहुत ही महत्व होता है। जैसे हमारे देश में तिरंगे का बड़ा महत्व है, वो हमारा राष्ट्र ध्वज कहलाता है, वैसे हमारी सनातन परंपराओं में हिंदू परंपराओं में इस झंडे को लेकर के जब बात आती है तो कहते हैं कि ये धर्म ध्वजा हमारा आगे है एक प्रतीक के रूप में। एक अगर गार्जियन के तौर पे देखा जाए तो इस जुलूस का एक अभिन्न अंग होता है ये लोग, उस प्रतीक का अलग अलग मायने रखा जाता है, कोई अलग कलर से लेके आए। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दे दर्शकों, इस झंडे का प्रतीक ये भी है कि हम जिस जत्थे के साथ आए हैं उस जत्थे के लोग इस झंडे के अनुसार आगे पीछे होकर के चल रहे हैं, तो इससे ये होता है कि किसी तरीके की हमें दुर्व्यवस्था ना हो, हम एक दूसरे के साथ बंधे रहें, इसको लेकर के वो इस झंडे का उपयोग करते हैं। कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि झंडे में अलग अलग कलर होते हैं, कपड़े होते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, इन सब विषयों को लेकर के लोगों में ये होता है कि हम किसी तरीके से इस महा आयोजन में सम्मिलित होंगे। हमारा पहला आप शाही स्नान की जो हम बात कर रहे हैं वो आप देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से समर्थक अब आने शुरू हो गए हैं अपने शाही अंदाज को, जिस तरीके से जाना जाता है शाही स्नान उसको संपन्न कराने के लिए। आप देख सकते हैं पुलिस की प्रशासन की पूरी व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद है, लोगों का समूह कितनी बड़ी संख्या में आ रहा है। हम और भी चीजों से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जय पारस टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं तीर्थराज प्रयाग का सीधा प्रसारण और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह, और आप सभी को इस पावन धरा से सरस्वती पूजन की बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। तीर्थराज प्रयाग वो धरा जहां पर दर्शनों के लिए देवी देवता साक्षात उतर आते हैं, जहां गंगा यमुना और मां सरस्वती का मिलन होता है जो त्रिवेणी संगम कहलाता है, उसी संगम घाट पर इस वक्त हम उपस्थित हैं, आपको तृतीय एवं अंतिम शाही स्नान की झलकियां दिखाने के लिए। जी हाँ, लोगों की आस्था देखते बन रही है,
जो पहले और दूसरे शाही स्नान में नहीं पहुंच पाए उनकी कोशिश है कि कुंभ 2019 के अंतिम शाही स्नान में जरूर आ जाए ताकि यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगा सके। आपको बताना चाहूंगी कि भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और मन में बस एक ही तमन्ना है कि कैसे भी करके वो डुबकी लगा ले, वो डुबकी जो उनकी आस्था की डुबकी है, वो डुबकी जो मानवता की डुबकी है, वो डुबकी जो उन्हें मोक्ष दिलाएगी। ऐसी उम्मीद के साथ अपने सर पर झोला लिए हुए लोग न जाने मीलों दूर से कहां कहां से चले आ रहे हैं, आने का संसाधन नहीं है लेकिन मन में आस्था जरूर है और उसी आस्था की पोटली को सर पर लिए, कंधे पर कंबल टांगे लोग चले आ रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, आपको बताना चाहूंगी कि ठंड इस कदर है कि शीत लहरें चल रही हैं। अगर हम बात करें द्वितीय शाही स्नान की जो कि मौनी अमावस्या के उपलक्ष पर संपन्न हुआ था, अगर हम उसकी कल्पना करें, उसकी तुलना करें तो आज ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन बढ़ते हुए कदम कहीं भी आपको यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि आज ठंड बहुत ज्यादा है। आपको बताना चाहूंगी कि शीतलहरें चल रही हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों के कदम भी आगे चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं अपने सहयोगी परमिंदर जी से कहूंगी कि वो दिखाएं किस तरह से शाही अखाड़ों का जो है वो आना शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहूंगी कि कुल मिलाकर हमारे 3 संप्रदाय हैं, सन्यासी, वैष्णव एवं शव, और इन्हीं के तहत आते हैं हमारे अखाड़े और इन्हीं अखाड़ों का शाही अंदाज जो है वो आज हमें देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहूंगी कि ये अंतिम शाही स्नान है। जी हाँ, अगर हम बात करें शाही स्नानों की तो इस इलाहाबाद कुंभ में कुल 3 शाही स्नान थे। पहला शाही स्नान 15 जनवरी मकर संक्रांति को, दूसरा स्नान जो था वो मौनी अमावस्या पर था और तीसरा शाही स्नान अंतिम शाही स्नान आज है। कहा यह भी जाता है कि जो भी व्यक्ति कहा यह जाता है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी स्नानार्थी पहला, द्वितीय एवं तृतीय शाही स्नान की डुबकी लगा लेता है उसका जो पुण्य है वो पूर्ण कुंभ के बराबर हो जाता है। मुझे लगता है ऐसे नसीब वाले शायद कम ही होंगे। अगर मैं अपने भी बात करूं तो हमने भी, यानी मैंने भी दूसरा जो है शाही स्नान मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाई थी और तीसरे में भी जरूर लगाऊंगी लेकिन पहले शाही स्नान में मैं यहाँ उपस्थित नहीं थी। मेरी सहयोगी यहाँ से आप सभी को गतिविधियों की झलकियाँ दिखा रही थी। तो चलिए, ये तो बात हो रही है स्नान को लेकर लेकिन हम जो जमावड़ा लोगों का देख रहे हैं ये देखते ही बन रहा है। वाकई में आज बसंत पंचमी का दिन है, माता सरस्वती का दिन है, माता सरस्वती के अवतरण का दिवस है आज, ज्ञान की देवी। जी हाँ, वो ज्ञान जिसके अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं पशु कहलाता है। तो आज जो भी व्यक्ति यहाँ पर डुबकी लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी, साथ ही उन्हें माता सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आज अवतरण दिवस है। आज बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर पीले वस्त्रों में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो पीला रंग है ये माँ सरस्वती का सूचक है, माँ सरस्वती का प्रिय रंग है। तो आज जो लोग हैं, कल्पवासी हैं, स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो सभी आस्था की डुबकी लगाने में लगे हुए हैं और जैसे कि नागा साधु के स्नान के साथ शाही स्नान शुरू हो जाता है तो नागा साधु जो है वो आ रहे, बढ़ रहे हैं ढोल नगाड़ों के बीच में। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं शाही स्नान की शाही झलकियों की तरफ।